सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? गाइस, यहाँ हमने आपको कुछ लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने नोट्स प्रोवाइड कराए। कई लोगों ने लिए इंग्लिश ग्रामर हैंड रिटन नोट्स बाय सौरभ जैन सर, यानी कि मेरे द्वारा लिखे हुए, जो आपके काम करते हैं SSC CGL CHSL CPO Steno, यानी कि SSC के सभी तरह के एग्ज़ाम्स में, बैंक में सभी तरह के एग्ज़ाम में, NDA CDS और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और बहुत ही शॉर्ट में लिखे गए नोट्स हैं। मुश्किल से आप सोच सकते हैं कभी कि सिर्फ 59 पेज में मैंने रूल्स कवर किए हैं सारे आपके, सिर्फ इसके अंदर प्रपोजिशन नहीं है, बाकी सभी चैप्टर्स के अंदर कंप्लीट हैं। यस, सो बहुत ही सुंदर नोट्स बनाए हुए हैं। जिस किसी को भी लेने हों वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और कॉन्टैक्ट करके ये नोट्स ले सकता है। सिर्फ आपको 99 रुपीज़ पे करना होगा हमारे फ़ोनपे अकाउंट पर, या किसी भी तरह से आप हमें 99 रुपीज़ पे कर सकते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेजन पे, गूगल पे, किसी भी तरह से। इस सेंटेंस में, इस बुक में हमने क्या दिया है, एक बहुत अच्छी पहले चैप्टर दे दिया आपको, और बता दिया कि चैप्टर में कितने रूल्स हैं। इंडेक्स है, आर्टिकल में हमने पेज में 1 to 6 9 रूल हैं, नाउन में 7 to 12 10 रूल हैं, प्रोनाउन में 13 to 16 8 रूल हैं, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस को मैं इकट्ठा पढ़ाता हूँ, ध्यान रखें, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस ये आपका कंप्लीट हो जाते हैं एक साथ ही। 15 रूल्स में 2 चैप्टर कंप्लीट है। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बड़ा चैप्टर मैं सिर्फ 15 रूल्स में कंप्लीट कर रहा हूँ, आप सोचिए ऐसा क्यों है बच्चों, ध्यान रखिएगा। मैंने सिर्फ वो पढ़ाया जो एग्ज़ाम आ रहा है, आप लोग मुझसे काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करा रहा हूँ आपको, फिलहाल ग्रामर में आपको नहीं करा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट्स में ऐसा नहीं कि मैं आपको आज ही करा रहा हूँ, मेरे कॉन्फिडेंस से पता चल गया होगा कि व्यक्ति में दम है, वरना तो मैं कराते वक्त ऐसा कराता कि इसका आंसर ए है, बात खत्म। अन्य यूट्यूब चैनल की तरह बहुत ज़्यादा बकवास मारता हूँ बैठ करके, अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ बस, फिर मैं भी उनकी तरह आपके लिए यहाँ पे एक ऐड करने वाला बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया आपको। यस, उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंटेक्स में सिर्फ और सिर्फ 6 रूल, कमाल की बात है, इतना बड़ा चैप्टर सिर्फ 6 रूल से कंप्लीट कर रहा हूँ। एडजेक्टिव में 7 रूल, कंजक्शन में 9 रूल, कंडीशन सेंटेंस में 8 रूल, बुक्स में किसी में भी 8 रूल नहीं छपे, यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा दिया है। बुक्स में सिर्फ आपके छपे हुए सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 रूल, उससे वो कराते हैं आपके एरर, मैंने यहाँ पे 8 रूल छापे हैं। कंपल्सन रूल जो बुक में कहीं है ही नहीं, मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थी कंपल्सन रूल, वो पढ़िएगा। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कॉमन एरर के सिर्फ 2 रूल, जब आप कॉमन एरर के माध्यम से करते हैं, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दो तरह से एग्जाम में आता है, एक तो आता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, दूसरा आता है कॉमन एरर में, कॉमन एरर में सिर्फ 2 रूल से आप कॉमन एरर करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप 13 रूल, एक्टिव पैसिव के 11 रूल, क्वेश्चन टाइप के 8 रूल्स। उसके बाद में बहुत सारे रूल है हमारे पास में, जीरो एंड पार्टिसिपल इन्फिनिटिव जो यहाँ पे नहीं डाल पाया था मैं, सुपर फ्लोस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे ही, और जीरो रूल मैं आपको किसी दिन पढ़ा दूंगा। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे चैप्टर हमने आपको यहाँ पे पढ़ा दिए हैं, और बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे पढ़ाने हैं, आप जो भी चाहें बोल ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, कोई भी सॉरी बाधा कह रहा हूँ आप मतलब किसी प्रकार की आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, या किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती भी आपके ऊपर नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं अपना यहाँ पे ऐड करना है, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि हमारे ग्रामर नोट्स में क्या क्या है। क्लियर बात, अपने नोट से आज एक बहुत ही सुंदर चैप्टर मैं आपको करने वाला हूँ, चैप्टर का नाम है आपका क्लोज टेस्ट, क्वेश्चन टैग, सॉरी माफ चाहूँगा, चैप्टर का नाम है आपका क्वेश्चन टैग। ज़रा देखिए आपको ये पता चल जाएगा कि हमने किस तरह से लिखे हैं नोट्स, तो आपको थोड़ा ये भी अंदाजा हो जाएगा, कैमरा भी नहीं खोलता हूँ। क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर निम्न होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट अफर्मेटिव में, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट नेगेटिव में, आपको साफ लिखा दिख रहा है, यही मुझे बोर्ड पर लिखना था। यदि वाक्य अफर्मेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। यानी कि कुल मिलाकर सुनिए बात को, क्वेश्चन टैग चैप्टर में चाहे वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में, ज़बरदस्ती की सामने वाले से हाँ या ना करवाई जाती है, ज़बरदस्ती की हाँ या ना करवाई जाती है सामने वाले से। मैंने कहा आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या नहीं पढ़ाता, क्या नहीं पढ़ाता आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, हाँ हाँ सर पढ़ाते हो, नहीं 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 सर नहीं पढ़ाते हो, मुँह पे तो आप ना कर नहीं पाओगे, आपको मजबूरन हाँ करना ही पड़ेगा। मैंने कहा वो बहुत बेकार इंग्लिश पढ़ाता है, आप कहेंगे हाँ हाँ सर बहुत इंग्लिश बेकार पढ़ाता है, तो या तो मैं ज़बरदस्ती की हाँ करवाऊँगा या ज़बरदस्ती की आपसे ना करवाऊँगा, यही आपका क्वेश्चन टैग, ज़बरदस्ती की हाँ या ना करवाना। खेल सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का है बस, इससे बड़ा खेल यहाँ नहीं है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली आता है 50 क्वेश्चनों में, और अगर 100 का आ रहा है
तो दो भी पहुंच जाते हैं कई बार, लेकिन अगर एक भी आ रहा है तो एक नंबर यहाँ कन्फर्म करें, क्योंकि इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात तो यह है कि बचाने आखिर में क्वेश्चन मार्क्स लगा होता है। सबसे खुशी की बात यही है, मोस्टली चैप्टर जितने भी आप पढ़ते हैं, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कितने भी हो, इनकी कोई भी पहचान नहीं है। यस, आप इनको देखते नहीं बता सकते कि ये एरर नाउन की है या ये प्रोनाउन की है। आप एरर बता सकते हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे नाउन की है या प्रोनाउन की। ऐसे सिर्फ आपके दो चैप्टर हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और क्वेश्चन टैग। ये सिर्फ तीन ही चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप देखते ही क्लियर कर देते हैं कि ये किस चैप्टर से है। तो इस तरह के चैप्टर्स की एरर करना और भी आसान हो जाता है। कई बार तो एग्ज़ाम में इसके तीन तीन चार चार क्वेश्चन भी आए, फिल इन द ब्लैंक्स में भी, कॉमन एरर में भी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी, सभी में ही। रूल नंबर वन की बात करते हैं पहले। इस रूल को मैंने नाम दिया है हेल्पिंग वर्ब रूल। क्या नाम देता हूँ उसको मैं? हेल्पिंग वर्ब रूल। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, फिर पूरी मॉडल वर्ब विल, शैल, कैन में, जितनी भी मॉडल वर्ब है विल, शैल, कैन में, फिर आपका वुड, शुड, कुड, माइट, जितने भी आपकी मॉडल वर्ब है सारी की सारी। उसके बाद में आपका बस ये रह जाएंगी, बट डू की फैमिली। लेकिन डू की फैमिली को मैं यहाँ नहीं पढ़ाता, डू की फैमिली के लिए मैंने अलग से रूल बनाता हूँ, उसको मैं रखता हूँ रूल नंबर टू में। यस, डू डट इसको अलग देखें, यहाँ पे आपको दिखेगा रूल नंबर वन ये हेल्पिंग वर्ब रूल है। रूल नंबर टू डू डस डिड का रूल है, इसको मैं बिल्कुल अलग पढ़ाता हूँ, उसके बाद में आगे चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये रूल पढ़ने से पहले आप सबसे पहले यहाँ पे इन सभी का एक एब्रीवेशन देख लीजिए कि एब्रीवेशन सबका क्या बनता है। एब्रीवेशन से मतलब इनका शॉर्ट रूप क्या हो जाएगा, ढंग से देख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आना है क्वेश्चन टैग में। देखिए, जैसे कि आपको लगाना हो इज नॉट, तो इज नॉट का इन शॉर्ट बनेगा आपका इजंट। क्या बनेगा? इजंट। अगला है आपका आर नॉट, आर नॉट का बनता है इन शॉर्ट आपका आरंट। क्या बनता है? आरंट। एम नॉट का नहीं बनेगा, बिकॉज एम नॉट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपने कहा वॉज नॉट, तो आप इसको कहेंगे इन शॉर्ट वॉजंट। आपने कहा वन नॉट, सो वन नॉट को आप शॉर्ट में कहेंगे वरंट। अगर आपने कहा हैज नॉट, तो हैज नॉट को आप शॉर्ट में कहेंगे हैजंट। आपने कहा हैव नॉट, हैव नॉट को शॉर्ट में कहना होगा हैवंट। हैड नॉट, हैड नॉट को शॉर्ट में कहेंगे हैडंट। यहाँ पे आपकी बी की फैमिली और हैव की फैमिली का ब्रूटो सिर्फ। आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे हैं, अभी मॉडल वर्ब बचेगी आपकी पूरी की पूरी। मॉडल वर्ब देखिएगा, विल नॉट को बोल देते हैं वॉन्ट, शैल नॉट को बोलना है शैंट, कैन नॉट को कांट, मे नॉट को मेंट, वुड नॉट को वुडंट, शुड नॉट को शुडंट, कुड नॉट को कुडंट, माइट नॉट को माइटंट, मस्ट नॉट को मस्टंट, और ऑट नॉट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपकी सारी की सारी मॉडल वर्ब हैं, इतनी मॉडल वर्ब हैं। उसके बाद आपका आती है डू की फैमिली। डू की फैमिली में डू नॉट को बोलते हैं डोंट, क्या बोलेंगे? डोंट। डज नॉट को आप बोलेंगे डजंट, क्या बोलेंगे? डजंट। और डिड नॉट को बोलते हैं डिंट या डिडंट, प्रोनंसिएशन में अंतर है सिर्फ, लिखने में सेम है, डिंट या डिडंट, जो भी आपका मन करे।
दोनों में से कोई भी आप इसको प्रोनाशिएट कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग बोलते वक्त ज़्यादा ध्यान देते हैं, ग्रामर में लिखते वक्त इसका ज़्यादा ध्यान नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। यस, अब शुरू करेंगे चैप्टर आपका। चैप्टर में क्या करा है, शुरुआत इससे करेंगे आपकी। पहला रूल आपका हेल्पिंग ऑफ रूल रहेगा, जिसको हमने नाम दिया है हेल्पिंग ऑफ रूल। हेल्पिंग ऑफ रूल से मतलब यहाँ पर जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आपकी, चाहे वो बी की फैमिली की हो, चाहे वो हैव की फैमिली की हो, चाहे वो मॉडल वर्ब की फैमिली की हो, सभी के सभी इसके अंदर आ जाएंगे, बस डू डस डिड को छोड़ के, क्योंकि इनके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है। इसको हमने कहा है हेल्पिंग ऑफ रूल। बी की फैमिली यानी कि इज एम आर, वॉज वर, हैव की फैमिली यानी कि हैज हैव हैड, और मॉडल वर्ब की फैमिली यानी कि विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सभी। ज़रा देखिए सेंटेंस ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि आई एम अ गुड बॉय। आपको बनाना है क्वेश्चन टैग, हेल्पिंग ऑफ प्लस सब्जेक्ट देखना होता है। लेकिन स्पेशल ध्यान रखना, आप खासकर ध्यान रखना, जब आप इज एम आर का बना रहे हो नेगेटिव, तो एम को नेगेटिव बनाते समय हम कभी भी एम आर नहीं लगाते, याद रखिएगा। एम का एम आर नहीं बनता है, एम का बनता है आपका आर एंट ही। क्या बनता है एम का आपका? आर एंट। ये स्पेशल है, बस इससे बच के रहना नेगेटिव में। अफर्मेटिव में कोई टेंशन नहीं है, आप कहें आई एम नॉट अ गुड बॉय, अभी कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ से लगाने में, आप यहाँ पर एम आई लगा सकते हैं। देखिए मिस्टेक तो यहाँ तक भी मानी जाती है, अगर मतलब हालांकि तो कंपटीशन का एग्ज़ाम है, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बता के आना है, लेकिन अगर मैं बात करूँ लेवल की, मिस्टेक के लेवल की, तो आप इसे कैपिटल भी नहीं लिख सकते, ये भी ध्यान रखें। आप एक अच्छा टीचर हो ना, खतरनाक से टीचर, मेरे जैसा कोई पकड़ने वाला, तो ये भी गलती है, आप इसे कैपिटल भी नहीं कर सकते पहले अक्षर को, ये भी आपको स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। सो बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में ग्रामर जो आप कंपटीशन लेवल की कर रहे हैं, इसमें इतना ज़्यादा रोल इसका नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं। बस टेंशन यही है कि अगर एम वाला सेंटेंस आ जाए तो इसका क्वेश्चन टैग बनाते सबको आरंट लगाना है, बस इससे बच कर रहना, बाकी सब बहुत आसान है। मैंने कहा आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, सिंपल। हैवंट आई? शी हैज अ कार, हैजंट शी? हैजंट शी? यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, आरंट यू? क्या बन जाएगा? आरंट यू? तो बाकी सब सिंपल है, बहुत सारे सेंटेंस मैं करा सकता हूँ आपको, लेकिन मुझे लगता है शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। और भी अगर आप सेंटेंस करना चाहें तो कर सकते हैं। उसने कहा शी विल कम, शी विल कम, वॉन्ट शी? क्या बन जाएगा? वॉन्ट शी? यू कैन कम, कांट यू? क्या बन जाएगा आपका? कांट यू? तो ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब से ही थे दो सेंटेंस, बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंस। देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन टैग में नेगेटिव में आई के साथ आरंट आई लगाते हैं, ये ध्यान रखें आप। ये मेरे रूल्स में बहुत ही साफ राइटिंग में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। प्रज्ञान अकेडमी हमारे सेंटर का नाम है, और 9258723929 ये मेरा फ़ोन नंबर है। फ्रेम नंबर टू देखिएगा, ये आपका डू डज डिड से है, किससे आपका? ये डू डज डिड से है आपका रूल, रूल नंबर टू। क्या बोल रहा है? अगर आपको दिखाई दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या दिखाई दे, तब तो आप क्वेश्चन टैग बनाते हुए लगाएंगे डोंट। क्या लगाएंगे? डोंट। अगर आपको दिखाई दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तब आप क्वेश्चन टैग बनाते हुए लगाएंगे डजंट। अगर आपको दिखाई दे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप क्वेश्चन टैग बनाते हुए लगाएंगे डिडंट, ये याद रखें। बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है, जरा तीनों का ही एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। शी हेल्प्स मी, एस ई एस, आप लगाएंगे डजंट, डजंट शी? उसने कहा शी
helped me. सेकेंड फॉर्म में आप लगाएंगे didn't. क्या लगाएंगे? Didn't she? I help her. I help her. फर्स्ट फॉर्म में आप लगाएंगे don't. I don't. आपको देखा ऐसे IES, आपने लगाया doesn't. आपको देखी सेकेंड फॉर्म, आपने लगाया didn't. आपको देखी फर्स्ट फॉर्म, आपने लगाया don't. यही चीज़ आपको ध्यान रखने की थी. अगर सेंटेंस उल्टा हो तो फिर तो और भी आसान हो जाएगा. उल्टे में तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करनी है मेहनत आपको. उसने लगाया शी डज नॉट वॉच टीवी, तो ये और भी आसान हो जाएगा. आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ डज शी. सेंटेंस ख़त्म. खैर इतना ईजी तो नहीं देगा एग्जाम में, हर दे भी दे तो कुछ नहीं कर सकते. यस, उसने कहा You did not come, तो बन जाएगा Did you? क्या हो जाएगा आपका Did you? She did not play, तो बन जाएगा आपका Did she? ये और भी इजी है. अगर नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना हो तो और भी ज़्यादा इजी है, ये ध्यान रखें. हमारे नोट्स में क्या कर रहा है देखे ध्यान से. कह रहा है कि शी हेल्प्स द पुअर. शी हेल्प्स द पुअर, आपको दिख रहा है यहाँ सेंटेंस में एस या ईएस. अगर आपको एस या ईएस दिख रहा है तो आप लगाने वाले हैं यहाँ पे डज. क्या लगाने वाले हैं? डज. तो उसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा आपका डजंट शी. क्या बन जाएगा? डजंट शी. उसने कहा आई हेल्प द पुअर. क्या लगाया उसने? आई हेल्प द पुअर. तो हेल्प आपके यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे डोंट आई. नेक्स्ट मैं आपको दिख रहा है कि आई हेल्प द पुअर. आई हेल्प द पुअर सेकेंड फॉर्म दिख रही है, आपने बनाया डिडंट आई. क्या बनाया आपने इसका? डिडंट आई. सो इस तरह से आपका ये रूल हुआ कवर. रूल नंबर 3 पे चलते हैं. रूल नंबर 3 देखिए बच्चों, यही समझिएगा, फिर मैं चलता हूँ अपने बोर्ड पर. कह रहे हैं कि यदि वाक्य में वाक्य के सब्जेक्ट दिस दैट दीज दोज देयर और वन. बच्चों ये वन है, ओन लिखा हुआ जो दिख रहा है आपको वन, यहाँ नीचे देख सकते हैं आप. यदि वाक्य के सब्जेक्ट दिस दैट दीज दोज देयर और वन हो तो देखिए, एक तरफ लिखा है सब्जेक्ट, एक तरफ क्वेश्चन टैग. आ जाइए मेरे साथ बोर्ड पर दौड़ते हुए आप लोग. ये देखिए यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट आपका दिस हो या दैट हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय आप इसको कर देंगे एट. क्या कर देंगे? एट. यदि वाक्य का सब्जेक्ट आपका दीज हो या दोज हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय से कर देंगे दे. क्या कर देंगे? दे. यदि वाक्य का सब्जेक्ट देयर हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय कर देंगे देयर. और वाक्य का सब्जेक्ट अगर वन हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय भी रहेगा आपका वन ही. यार देखिए इनके सबके एक एक एग्जाम्पल, फिर इससे एक एक्स्ट्रा बात बताऊँगा, फिर आगे बढ़ेंगे. कह रहा है कि दिस इज माई पेन. क्या बनेगा? इजंट इट. इजंट इट दैट इज योर बुक. दैट इज योर बुक. क्या बनेगा? इजंट इट These are your books. क्या बनेगा? Aren't these? क्या बनेगा? Aren't these? आपने कहा Those are your pen. क्या बनेगा? Aren't, माफी चाहूँगा, यहाँ पे आपको लगाना था दे. क्या लगाना होगा? दे. यस, आरंट दे. उसने कहा देयर इज अ गर्ल. देयर इज अ गर्ल. क्या बनाया? इजंट देयर. आपने कहा वन शुड हेल्प द पुअर. क्या बनाएंगे?
स्टूडेंट वन ज़रा देखिए एग्जांपल, कह रहा है कि दिस इज़ माय बुक। तो आपने लगाया इजंट इट, क्योंकि दिस के लिए आप क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट लगाएंगे, दिस और दैट के लिए, क्योंकि दोनों सिंगुलर हैं, दोनों के आप कहिए सिंगुलर, सिंगुलर के लिए आपने इट का इस्तेमाल किया। आपने कहा दीज आर माई बुक्स, बुक्स बहुत सारी हैं, दीज अपने आप में प्लूरल है, इसके लिए आपने दे का इस्तेमाल किया, आरंट दे, वन मस्ट हेल्प द पुअर, मसंट वन, क्या कहा आपने मसंट वन। लेकिन अब एक बात सुन लीजिए ध्यान से, यदि दिस और दैट के बाद कोई भी नाउन आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी नाउन, और फिर आपकी वर्ब आए, हालांकि सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी बिकॉज दिस दैट सिंगुलर है। सो आप अब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो उस दिए गए नाउन या प्रनाउन के अनुसार होगा, हालांकि नाउन क्या आएगा, प्रनाउन नहीं आएगा, इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। हालांकि दीज दोज पे ही रूल कोई काम नहीं करता, क्योंकि दीज दोज पहले से प्लूरल है, उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट फिर भी दे ही रहेगा, इसलिए वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ इफेक्ट पड़ता है, ज़रा देखिए कैसे है। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने दिस इज माई बुक, आपने बनाया इजंट इट, क्या बनाया इजंट इट। लेकिन आप अगर कहें दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो अब आपको क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इसके हिसाब से बनाना है और गर्ल के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा आपका इजंट शी। मेरी बात सुन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यदि दिस दैट के बाद कोई नाउन हो, यदि दिस दैट के बाद कोई नाउन हो, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट उस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन टैग में कभी भी आप नाम नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना ये भी बात, उस नाउन को अकॉर्डिंग आपको ही या शी का इस्तेमाल करना है। लेकिन दीज दोस्त पे रूल कोई काम नहीं करता है, आपने कहा दीज आर माई पेंस, तब भी आपने लगाया आरंट दे, क्या लगाया आपने आरंट दे, या आप कहें दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तब भी आप लगाएंगे गर्ल्स बहुत सारी हैं, आरंट दे ही, इसलिए यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये आपका जैसा था वैसा ही रहने वाला है, यहाँ पे कोई भी रोल इतना बड़ा मेन इसका नहीं है। ज़रा नोट से देखिए एक बार, कह रहा है कि यदि इनके बाद कोई नाउन आता है तो सब्जेक्ट उसके अनुसार ही आता है। दिस गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दिस गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पर आपका गर्ल आया, गर्ल एक लड़की है, इसलिए आपको बनाना होगा इसका इजंट शी, क्या बनाएंगे आप इसका क्वेश्चन टैग इजंट शी। हालांकि अभी चैप्टर बच्चों बहुत बचा हुआ है और चैप्टर इंपॉर्टेंट भी बहुत है, अगर मैं इसको वन पार्ट में फिनिश करता हूँ सो आपके ऊपर ये अन्याय हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरे दिन और भी बहुत कुछ पढ़ना होता है मेरे साथ, फिर आपका बहुत सारा वर्कलोड बढ़ जाएगा, आप पक्का वहाँ बैठ करके मुझे कुछ ना कुछ कहने वाले हैं। फिर इसको मैं फ़िलहाल अभी यहीं रोक रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आपके नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, 7, 8, बस ये सभी आपके फिनिश कर दूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन फ़िलहाल आपको इतना ही पढ़ना है, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हों हमारे रूल्स जो हैंड रिटन हैं, आप इनको मंगवा भी सकते हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ 99 रुपीज़ पे करने होंगे हमारे फ़ोनपे अकाउंट पर, या पेटीएम के द्वारा, या अमेज़न के द्वारा, मेरा नंबर आपको पता ही है सबको 8279738238 पर इस पर मैसेज कीजिएगा, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं आपको तुरंत इसका पीडीएफ भेज दूंगा, क्लियर बात। सो ये बहुत ही काम आने वाले रूल्स हैं, ये मत सोचिए कि मैं आपके यहाँ प्रचार करने बैठा हुआ हूँ, देखिए मैं पिछले 3 महीने से आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ लगातार, उससे पहले भी मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैंने शायद आपको इस बात के लिए कभी कहा हो, लेकिन अभी जैसे कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और आप भी बहुत सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पता है आपके लगातार मुझसे कॉन्टैक्ट रहते हैं, बच्चे मुझे कॉल करते रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको इसकी ज़रूरत है, आपको ये पढ़ना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी में आते आते बहुत लेट हो जाए और फिर आप मुझसे कहें नोट्स के लिए, तब तक आप इसका रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसे अभी से लेते हैं तो आप डेली 2 पेजे पढ़ें तो 1 मंथ में आपका फिनिश, नेक्स्ट मंथ में फिर रिवीजन, उससे नेक्स्ट मंथ में फिर से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। 3 टाइम अगर आपने नोट्स पढ़ लिए तो ग्रामर का कोई भी चैप्टर आपसे बचा नहीं रह जाएगा, ध्यान रखना, आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपको पढ़ा तो रहा ही हूँ, मैं दूसरे को समझा सकता हूँ, सिलेक्शन आपको लेना है, आपने बहुत सारी किताबें ली होंगी महंगे से महंगी, बहुत सारे कोर्सेज ले होंगे महंगे से महंगे,
उसमें एक मेरा भी कोर्स जोड़ देगा सस्ता सा, और फिर आप इसका रिजल्ट देखेगा। लेकिन फिलहाल चलते हैं, लेते हैं विदा आपसे, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।